घरेलू गैस सिलेंडर की गैस ऑटो रिक्शा में भरते समय 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपियों से 3 ऑटो रिक्शा और 7 सिलेंडर सहित करीब 5 लाख रुपए का माल जब्त किया। पुलिस के अनुसार क्राइम ब्रांच पुलिस की यूनिट 3 को मंगलवार को दोपहर में गुप्त सूचना मिलने पर कार्रवाई की। मुख्य आरोपी मोहम्मद असलम शेख इब्राहिम मदन चौक नाला जूनी कामटी निवासी आरोपी मोहम्मद असलम ऑटो चालक रोशन पांतावड़े समता नगर जरीपटका आशीष भगत गांधीनगर जूनी कामटी और यूनुस अजीज खान मोंढा बोरियापुरा कामटी निवासी को घरेलू गैस सिलेंडर से ऑटो में इलेक्ट्रिक मशीन से गैस भरते समय धर दबोचा। आरोपियों से गैस भरने की सामग्री 7 गैस सिलेंडर और 3 ऑटो रिक्शा जब्त किए। जूनी कामटी थाने में मामला दर्ज कर आरोपियों को कामटी पुलिस के हवाले किया गया। गुन्हे शाखा यूनिट 3 पथकाला आज रोजी पोलीस स्टेशन जूनी कामटी च्या हद्दीमध्ये घरगुती वापराच्या सिलेंडर मधील गैस रिक्षा मध्ये भरत असल्याचे माहिती मिळाली होती। यूनिट 3 पथकाने तिथे जाऊन कारवाई केली असता आम्हाला त्या ठिकाणी घरगुती वापराच्या सिलेंडरमधील गॅस रिक्षामध्ये भरत असल्याचे आढळून आलेलं आहे। त्या ठिकाणी कारवाई करण्यात आलेली आहे। या कारवाईमध्ये 3 रिक्षा 7 घरगुती वापराचे सिलेंडर आणि 3 गॅस भरण्याचे मशीन असा साधारणपणे 5 लाखाचा मुद्देमाल आम्ही जप्त केलेला आहे। या कारवाईमध्ये हे गॅस भरण्याचं काम करणारा असलम शेख नावाचा आरोपी आहे, राहणार पोलीस स्टेशन जुनी कामटी शाहीमध्ये राहतो, त्याला अटक केलेली आहे आणि इतर 3 रिक्षा चालकांना अटक केलेली आहे। युनिट 3 के पुलिस निरीक्षक प्रदीप रायनेवार सहायक पुलिस निरीक्षक पवन मोरे हवलदार ईश्वर खोरडे रामचंद्र कोरे मोरे विजय श्रीवास नायब तहसीलदार टप्पू लाल चूटे अनुप तायवाड़े अनिल बोटरे संतोष चौधरी मंगेश मडावी दीपक लाकड़े ने कार्रवाई की। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा अटवा BCN न्यूज नागपुर।